घने जंगलों के बीच से होते हुए एक रहस्यमय रास्ता जो सीधे नागलोक को जाता है। सात पहाड़ों की चढ़ाई बारिश में भीगते हुए करते हैं, तब जाकर पहुंच पाते हैं नागलोक, नागद्वारी, जहां स्वर्ग द्वार भी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में होने के कारण यहां आम स्थानों की तरह प्रवेश वर्जित है। नागद्वारी मेला सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि इस स्थान से बलिदान की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन कहे जाने वाले पचमढ़ी में हर साल नागद्वारी मेले का आयोजन होता है। पचमढ़ी के विख्यात नागद्वारी की यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी कठिन होती है। नागद्वारी मेला 10 दिनों का होता है। यहाँ लोग दर्शन करते हैं पद्मशेष महाराज के, नागराज के। बारिश में दुर्गम स्थानों से होते हुए लगभग 7 पहाड़ियों को पार करते हुए यहाँ लोग दर्शन करते हैं नाग देवता के। इस मंदिर से कई दंत कथाएं और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास के मेले के दौरान नागद्वारी मंदिर के दर्शन करने से काल सर्वदोष दूर होते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। पद्मशेष महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश के पचमढ़ी पहुँचना पड़ेगा। पचमढ़ी तक आप आपके खुद के वाहन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर पचमढ़ी से धूपगढ़ और जलगली होते हुए आपको पैदल यात्रा शुरू करनी होती है। नागद्वारी तक पहुंचने के लिए लगभग आपको 12 किलोमीटर पैदल चलना होता है, और सिर्फ चलना नहीं होता है बल्कि चढ़ाई भी करनी होती है। तो आप सबसे पहले धूपगढ़ के जलगली जाते हैं, जलगली से भजियागिरी, भजियागिरी से काजरी, काजरी गांव से पद्मशेष, पद्मशेष के बाद पश्चिम द्वार, फिर स्वर्ग द्वार और फिर चिंतामणि, और फिर घूम कर आप फिर से वापस भजियागिरी आते हैं, जहाँ पर आपकी यात्रा समाप्त होती है। इस यात्रा में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पानी लगातार गिरता रहता है, और यदि पानी ना गिरे तो ये यात्रा उतनी सफल हो भी नहीं पाती है। तो पानी का गिरना बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि आप इस यात्रा को पैदल तय करना चाह रहे हैं तो आपके पास रेनकोट होना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको पचमढ़ी से ही मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा भारी रेनकोट आप वहाँ पर नहीं ले जा सकते। आपको जितना ज़्यादा हो सके अपने पास कम से कम सामान रखना है। फिर आप एक बैग रख सकते हैं, पानी की बॉटल रख सकते हैं।
यहाँ रास्तों में जगह जगह पर भंडारों का आयोजन किया जाता है। यहाँ मंडलों की मदद से यात्रा थोड़ी आसान होती है। यहाँ के रास्ते जंगलों के बीच से होकर जाते हैं। बारिश के रास्तों में जगह जगह फिसलन होती है, कीचड़ होते हैं। यहाँ आपका सामान उठाने के लिए कोरकू मिल जाएंगे, लेकिन बाकी यात्रा आपको पैदल ही करनी है। यहाँ की चढ़ाई बेहद मुश्किल है। यहाँ पर रुकने के लिए होटल्स की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन यहाँ रुकने के लिए आपको टेंट ज़रूर मिल जाएंगे, जिनका किराया 100 से 300 रुपये तक का होता है। इसलिए कोशिश करिए कि पचमढ़ी से सुबह अपनी यात्रा जल्दी शुरू करें, लगभग सुबह 5 बजे से, ताकि ऊपर कहीं रुकना ना पड़े। यदि लगातार पानी गिरता है तो आप आसानी से अपनी यात्रा कर पाते हैं। नागद्वारी मंदिर को लेकर उनसे जुड़ी दंत कथाओं को सुनने के लिए और पूरी यात्रा को देखने के लिए कि किस तरह ये यात्रा की जाती है, आप हमारे चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को देखते रहें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नागद्वारी यात्रा के दौरान 5 से 6 स्थान इस जगह पर ऐसे हैं कि क्षमता अनुसार आप यहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ लगभग रात में लोग यात्रा नहीं करते हैं। रात होने पर लोग टेंट पर रुक जाते हैं और फिर सुबह अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस जगह पर काफी संख्या में महाराष्ट्र के लोग आते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ आपको दिख जाएंगे। कुछ लोग नागद्वारी यात्रा से पहले इसकी पहली पायरी में जाकर नागदेवता के दर्शन करते हैं। पहली पायरी जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल जिले के बॉर्डर पर मोरखा नामक गांव में, जिसका फुल डिटेल वीडियो हमारे चैनल में डला हुआ है, उसे भी जाकर आप ज़रूर देखें। मान्यता है कि जो लोग नागद्वार यात्रा के लिए जाते हैं उनकी मांगी गई मनोकामना पूरी होती है। नागद्वारी यात्रा को लेकर किंवदंती है कि पूर्व में एक राजा था हेवत चंद और उसकी पत्नी थी मैना रानी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए नाग देवता से मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी होने पर उन्हें नाग देवता ने दर्शन दिए थे विशाल रूप में। इस मेले का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। लोगों के बताए अनुसार 1800 ईस्वी में अंग्रेजों से आदिवासी राजा भभूत सिंह की सेना के बीच युद्ध हुआ था। आदिवासी छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव से पैदल चलकर नागद्वारी क्षेत्र स्थित चित्रशाला माता और गुफा में अज्ञातवास करते थे। गुफा में अंग्रेजों से लड़ने के लिए गुप्त रणनीति बनती थी। अंग्रेजी सेना पर हमला कर इन्हीं गुफाओं में शरण लेते थे। नागद्वारी गुफा के पास काजरी में आज भी अनेक समाधियां स्थित हैं। मराठा एवं आदिवासी परिवारों ने उस दौर में यहां यात्राएं आरंभ की और बाद में यहां शिवलिंग स्थापित किया गया नागद्वारी की गुफा में, जो मात्र 5 फीट चौड़ी है। पहले लोग रस्सियों की सहायता से पहाड़ियां चढ़कर जाते थे और उन्हें रास्ते में कई जहरीले सांपों का सामना करना पड़ता था, जिन्हें हाथों से हटाकर लोग आगे बढ़ते थे। नागद्वारी मेले का आयोजन साल में सिर्फ एक बार किया जाता है।
आदिवासी समुदाय में मान्यता है कि इस यात्रा को करने से शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा भी मिलती है। मान्यता ये भी है कि आदिवासियों के आराध्य बड़ा देव भगवान शिव ने यहाँ स्वर्ग द्वार को बनाया है। महाराष्ट्र के लोग नागद्वार यात्रा के बाद कढ़ाई या कसनी करते हैं। मन्नत के अनुसार श्रद्धालु इस परंपरा को निभाते हैं। कढ़ाई जिसमें यात्रा के बाद परहेज रखते हुए यात्री को गीले बदन बिना किसी को छुए अपने हाथों से रवे का प्रसाद खुद बनाना होता है और इस प्रसाद को पद्मशेष भगवान का स्मरण करते हुए भोग लगाना होता है। कसनी जिसमें मन्नत के अनुसार यात्रा के बाद सवा महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और चटाई में सोना होता है, खुद भोजन बनाना होता है और सवा महीने तक कढ़ाई और पद्मशेष देव का पूजन करना होता है। एक ऐसी जगह जहां कदम डगमगा जाए तो सीधे खाई में गिर जाए। गिरते पानी की फिसलन, भारी ढलान, बहते पानी को पार करना, बड़ी बड़ी चट्टानों की चढ़ाई करना, सतपुड़ा की घनी और ऊंची पहाड़ियों में सर्पाकार पगडंडियों को पूरा करते हुए नागद्वारी मंदिर तक पहुंचना। नागद्वारी मंदिर की कठिन चढ़ाई के बावजूद लाखों श्रद्धालु यहां भगवान शिव और नागदेवता के पूजन के लिए पहुंचते हैं हर साल और उनसे मन्नत मांगते हैं। ओम नवकुल नागाय विधमहे विशद दंताय धीमहे तन्नो सर्पहा प्रचोदया। नागराज के दर्शन के अलावा यदि आप एडवेंचर और प्रकृति के बीच कुछ नया देखना चाहते हैं तो यात्रा जरूर करें। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियाँ और उसके बीच कलकल करती हुई नदियाँ और झरने आपका मन मोह लेंगे। आइए हम सब मिलकर दर्शन करते हैं पद्मशेष महाराज के, नागराज के। इस मेले के लिए जिला प्रशासन के द्वारा विशेष इंतजाम किए जाते हैं। मेले के लगने से एक हफ्ते पहले ही पूरे रास्ते की जांच की जाती है मंडलों की मदद से और कोरकू जाति की मदद से। यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं की जाती है, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रास्तों का निरीक्षण, शौचालय व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था। जो सीख हमें किताबों से नहीं मिलती, वो अनुभव हमें एक सफर सिखाता है। गिरना, उठना, चलना, दौड़ना, घूमना फिरना, यही जिंदगी है।
तो यदि आप भी प्रकृति प्रेमी हैं, ट्रैकिंग से भरपूर रोमांचक धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको पद्मशेष मंदिर, नागलोक, नागद्वारी आना चाहिए। ये यात्रा आपको साहसिक परिणामों से भर देगी। सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।